महाभारत में दिखाया जाता है कि 13 वर्ष का वनवास मिला था जो पांचों पांडव थे। 12 वर्ष वनवास बिताना था, उसके बाद 13वां वर्ष जो था वो अज्ञातवास बिताना था, यानी कि उनको अपना पहचान छुपा के बिताना था। दिखा दीजिए इलाके को, यही इलाका है जहाँ पे कभी पांचों पांडव यहाँ रहते थे, 12 वर्ष का वनवास बिताते थे बिताएं, उसके बाद 13वां वर्ष अज्ञातवास आप लोग जानते हैं। गंगा जी पढ़ा लली बच्चा लेना अपन खराव लेके पहिर के, ओकरे बाद अर्जुन नैला चारो पांचो पांडव आइलो, यही पर धनुष टांगल लो, पहला प्राण गदा भी रखल, गदा भी अब यही वो पेड़ है जिसपे गदा रखा गया था भीम का, यही वो पेड़ है जिसपे अर्जुन का गांडीव रखा गया था, और यही वो पेड़ है जिसपे जो सबसे बड़े भाई थे जो के युधिष्ठिर उनका भाला यानी कि भाला में निपुण थे और इसी पे भाला रखा गया था, और यही वो पेड़ है जो नकुल और सहदेव है उनकी जो तलवारें थी, कहा जाता था कि तलवारों में सबसे निपुण है, कोई उनसे जीत नहीं पाता था, यह इसी पेड़ पे रखा गया था। इस पेड़ को हम दिखा रहे हैं आप लोगों को, एक बार देखिए, और बगल में ही जस्ट नदी है, और यहाँ पे अब शमशान घाट बना दिया गया है दोस्तों, और यहाँ पे देखिए अब शमशान घाट है, यहाँ पे लाशें जलाई जाती है, अभी 2 लाशें जलाई गई है फिलहाल में। हालांकि यहाँ के कुछ लोगों का कहना है कि यह पेड़ बहुत बड़ा और था, लेकिन लोगों ने काट दिया ना, लोगों ने काट दिया, बहुत बड़ा पेड़ था। हाँ, बहुत पेड़ जंगल था पूरा, जंगल एकदम में मैं गोरु ही रहो तनिजा, बकरी रहो और किस तत बिठा तनि जा, आ जब से मशान घाट बन गए तौरा और तनों के छुट्टी हो गई, डर लागे लागल, यही में सब आदमी बहुत दूरे दूरे लेके आके जब बैठत न जुड़ात न और सब कुछ होत रहा, ये इतनी अच्छा लागत रहा कि देख के जैसे जाए के मन ना कर रहा, बाकी वैसा हो गल के भयंकर हो गया कि जाए के आवे के मने ना कर रहा। आज से 5000 साल पहले दोस्तों ये पूरा जंगल का इलाका था, और इसी में 12 वर्ष वनवास काटे थे जो पांचों पांडव थे, और उसके बाद आप जानते हैं कि लाक्षाग्रह भी हुआ था, और किस तरह से कैसे सब आप लोग जानते हैं, दिखाया गया है और मूवी के माध्यम से भी, और कुछ और घुमा कर एक बार हम लोग दिखा देना चाहते हैं। देखिए यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, एक बार ये नदी एक शाखा इधर निकली गई है, निकली है, और यहाँ पे आप देखिए यह पेड़ है, और ये बहुत बड़ा पेड़ था पूरा, इसको कहा जाता था कि यानी कि बरगदों का जंगल इसे बोला जाता था पहले के जमाने में, और बड़ा मुख्य पेड़ है, उसके बाद आप लोग जितना देख रहे होंगे ये हाँ ये सब आप लोग देख रहे होंगे कि बरगद में बर यानी लटकता है और जमीन से फिर जाकर अपना जो है कि जड़ बना लेता है ना, उसके बाद ऐसे ही कई बीघों में ये था पूरा जंगल, और ये इसी पे रखा गया था अर्जुन नकुल सहदेव और पांचों पांडवों का पूरा जो तीर धनुष और जो यानी लड़ाई करने वाला था, है कि नहीं। तो पहले का पुरनिया बोलत रहना, पहले का पुरनिया बोलत रहना, अब हमन के राज में नहीं के बेटा बेटी के राज में नहीं के पहले के पुरनिया पर बोलना कि तीर चलौना तही पर आके लग खड़ा हो गए उनकर तीर धनुष गदा, तो उहे ओई पर जब बन गए बन सब बहुत दुनिया रहत न कोई न जाने, बहुत सी सारी कहानियां है इस बरगद के बारे में दोस्तों, क्या क्या बताया जा, और अन्य लोगों ने यहीं पे कुछ मंदिर भी बनाया है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे करी बाबा का थान मंदिर है, बहुत जगता मंदिर है, यहाँ पे पूजा उजा भी करते हैं, बहुत गौरी बाबा रहना तो हर कीर्तन 1 सवा महीना का करो ना, पूरा जनता खाइल पियल पूरा माता तक में। अर्जुन जी के नाम से कोई बाजार भी है शायद इधर, खुरहट खुरहट बाजार, हाँ खुरहट बाजार है, खुरहट बाजार जो लगे ला कसारी का खुरहट बाजार, महानदाबाद से जाता आदमी खुरहट बोले ला, ओकरे बाद बड़े गाँव पर ला उ सब पहला खुरहट, बगल में ही वृंदावन है, वृंदावन ही बना चौबेपुर, वो वाला वृंदावन नहीं, मथुरा वाला वृंदावन नहीं दोस्तों, वृंदावन एक और है जो बगल में ही है, वृंदावन बोले वृंदावन बने ला, अच्छा वो बन रहा सब कटपट के घर बना ले आदमी बन ना रह गए, हाँ सब आदमी जबरदस्ती से मान लो भट्ठा खोल ले कोई घर बनवा ले कोई कुछ बना ले, सभी लोग अपना अपना जो है कि उसको काट के अपना घर और द्वार बना लिया दोस्तों।